हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी आयुष की काउंसलिंग काफी सारे स्टेट में चल रही है और आई थिंक कुछ लोगों के अलॉटमेंट भी अभी आ चुकी होंगी। कुछ स्टूडेंट्स अभी रह गए होंगे जिनकी अलॉटमेंट नहीं आ पा रही है बिकॉज लो स्कोरिंग भी है। वो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज जा रहे हैं तो अभी उनको प्राइवेट बीएमएस कॉलेज अपने स्टेट पे नहीं मिल पा रहा है। तो ये काफी ज्यादा एक डाउट और एक कंफ्यूजन आ रहा है कि सर कौन सी स्टेट की काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करें। सर हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मुझे हरियाणा में ही बीएमएस का कॉलेज चाहिए। सर कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा आयुष की जो काउंसलिंग ऑन गोइंग है, जो SKAU यूनिवर्सिटी कराती है, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। तो इनकी काउंसलिंग देखो राउंड वन हो चुकी है, राउंड टू के लिए इन्होंने शेड्यूल रिलीज कर दिए हैं। राउंड टू के शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम शेड्यूल पे बात करें, देखो अभी 4 फरवरी तक इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन रहेगा। उसके बाद 2 फरवरी को जो भी लोग PWD हैं, जो भी कैंडिडेट PWD हैं, उनके लिए मेडिकल बोर्ड फॉर PWD कैंडिडेट इन PGIMS रोहतक, तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट के लिए दे रखा है कि जो डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहीं से अपडेट कराना होगा, देन तभी वैलिड होगा, देन आपको तभी एक रिजर्वेशन के बिहाफ पर सीट अलॉटमेंट हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर जो है डिस्प्ले किया जाएगा कितने कैंडिडेट, जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उनमें से कितने लोग एलिजिबल होंगे और कितने लोग एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कुछ भी अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर कोई भी डाउट, क्वेरीज या प्रॉब्लम हो तो आप 7 फरवरी को आप ईमेल कर सकते हैं। 9 फरवरी को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जो जो इंस्टीट्यूट अलॉटिंग होती है एक तरह से प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी, एक तरह से कॉमन मेरिट लिस्ट भी हम उसको कहते हैं। आप अगर आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कोई भी कुछ भी डाउट कन्फ्यूजन रहता है या आपका नेम नहीं आता है या कुछ भी है अलॉटमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो देन आप उनको 10 फरवरी को ईमेल कर सकते हैं 2 PM के पहले पहले, मतलब सर्वे टाइम दे रखा है उससे पहले कुछ अपना एक क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, उस पर रिस्पॉन्स ले सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है 11 फरवरी आपको हमारी अलॉटमेंट आ जाएगी, आफ्टर देन हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग की जो प्रोसेस होती है 12 से 13 के बीच में। ये सब तो ठीक है सर। अब आगे का जो हमारा प्रोसेस है कि नंबर ऑफ कॉलेज कितने पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस बार, देखो तो राउंड वन में तो बहुत ज़्यादा नहीं कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन इस बार काफी सारे कॉलेज आपको पार्टिसिपेट करने को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे कि कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कॉलेज का जरा नेम देख लेते हैं यार। देखो जो प्रीवियस कॉलेज पार्टिसिपेट किए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे श्री कृष्णा आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी है जो हमारी, ये तो पार्टिसिपेट कर ही रहा था। और उसी के साथ साथ हमारा एक और कैंपस है जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, मारू सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खानपुर खलन सोनीपत, तो ये भी बीएमएस कोर्स प्रोवाइड करता है। आप जो कैंपस बढ़ता है आपको थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा, यहाँ पर हमारा चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा देखो ये भी क्या है, ये भी कैंपस आ चुका है, मतलब कि इस बार राउंड टू वाले हैं पिट करने वाले हैं। और जो प्रीवियस जो राउंड रहा था उसमें बहुत ज्यादा कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो अच्छे, हाँ अभी आप जो सबसे ज्यादा क्या होगा डिमांडिंग कॉलेज है ना श्री धन्वंतरी, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक तो ये हो गया चौधरी देवीलाल, हो गया लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदा कॉलेज, हो गया यमुनानगर फॉर वुमेन्स के लिए है ये, ठीक है स्टार लगा देते हैं इस पे। और देन BHMS का भी एक कॉलेज है हमारा, देन ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब लास्ट राउंड में भी किया था। आप जो कॉलेज ऐड हुए उनके मैं नाम बता देता हूँ आपको, आयु ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये आपका कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद फैकल्टी, हाँ SGT यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है गुरुग्राम में, फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम SGT यूनिवर्सिटी, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और उसके बाद गंगा पुत्र आई थिंक आयुर्वेदिक कॉलेज है ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद गौर ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, ये भी कॉलेज हमारा हिसार में है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो कॉलेज की लिस्ट है, हो सकता है थोड़ी सी कम देख रही हो, मतलब विजिबल उतनी ना हो तो आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे ये सारे नेम दे दूंगा एक बार मेंशन करके। श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज, यार धन्वंतरी का तो बहुत ज्यादा डिमांड है, श्री धन्वंतरी, तो इस कॉलेज के लिए ना बच्चे हरियाणा में जरूर आते हैं। तो जिसकी भी स्कोर 400+ है, ठीक है, और उसको अभी तक कॉलेज अलॉटमेंट नहीं आई है
है ना, तो नो अलॉटमेंट है जिसका जिसका, तो वो लोग इनकी हरियाणा की काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड टू में आपको श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ देखने को मिलेगा, तो आप उसमें अलॉटमेंट भी पा सकते हैं। अब बात आती है कि सर क्या फी स्ट्रक्चर रहा है, मतलब कि क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा। तो चलो फी स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देख लो सीट डिस्ट्रीब्यूशन यार, चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा का ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दे रखा है। एक तरह से 50 सीट हमारी ऑल इंडिया, मतलब 50% सॉरी 50% हमारा मैनेजमेंट कैटेगरी की सीट है और 50% स्टेट कोटे वाले के लिए सीट है। मैनेजमेंट इन सेंस ऑल इंडिया को ये लोग मैनेजमेंट कंसिडर कर रहे हैं। और अब अगर हम बात करें कि हाँ यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट पूरी दे रखी है, राउंड वन में जो जो अलॉटिंग आई थी अगर आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। SKU में 33,000 तक आई थिंक अलॉटमेंट आई थी। ये राउंड वन में पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट है और ये हमारे यहाँ पे कॉलेज वाइज फी स्ट्रक्चर भी मेंशन है। मैं आपको सारा एक एक करके ब्रीफ कर देता हूँ। जो SKU है इसका वही 15,842 है, ठीक है। और उसके बाद हमारा श्री धन्वंतरी की अगर हम बात करें तो इसका फीस मतलब कि इंक्लूडिंग फीस डेवलपमेंट चार्जेस 2,40,000। तो यार फीस इसकी थोड़ी सी इंक्रीज कर गई है और 5% हर साल यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है। देखो यार यहाँ पर मतलब 240 में श्री धन्वंतरी मिल जा रहा है, मतलब कि हरियाणा का टॉप कॉलेज। और अपने यूपी में अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे आपको एक नॉर्मल सा कॉलेज मिल रहा होता है और वहाँ पे आपको उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो आप देन हरियाणा के लिए मूव कर सकते हो अगर आपकी स्कोरिंग अच्छी है, अगर आपको वहाँ पर लोकेशन इश्यू नहीं है। तो मतलब श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ में है फिलहाल। और अब अगर हम बात करें मारू सिंह मेमोरियल जो इंस्टीट्यूट है उसका कितना फी स्ट्रक्चर है, 67,500 फी स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो बाकी और भी कैंपसेस हैं, मतलब कि जो ज्यादा फी स्ट्रक्चर वाले हैं, तो उनका मैं कैंपस का नाम बता देता हूँ। SGT का फी स्ट्रक्चर काफी अच्छा खासा है। और हमारा बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदा जो कॉलेज है 3.90 लाख 3.90 लाख पर ईयर फी स्ट्रक्चर है। और इसमें आई थिंक हॉस्टल हॉस्टल का भी इंक्लूडिंग नहीं है, हॉस्पिटल क्लिनिक और कुछ एडिशनल एड ऑन चार्जेस ये सारा दे रखा है। अब एक बार देख सकते हैं चार्जेस वगैरह। और 4,30,000 का भी यहाँ पर जो हमारा सेकेंड SGT यूनिवर्सिटी है वहाँ के इतना सारा डेवलपमेंट चार्ज हो गया, एग्जामिनेशन फीस हो गया, तो हर एक यहाँ पर दे रखा है। श्री धन्वंतरी का 2.40 लाख पर ईयर है इंक्लूडिंग, मतलब कि डेवलपमेंट चार्ज है। तो यहाँ पर अगर ये फीस ले रहे हैं तो देन उसी हिसाब से आपको अच्छे से स्टडी भी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिल जाती है। एक BHMS का कॉलेज है सिंगल आपको। और अगर आपके पास BHMS, अगर आप BHMS करना चाह रहे हो, अगर आप हरियाणा से हो, तो मैं बोलूंगा आप थोड़ा सा MP मूव करके देख लो, बिकॉज MP में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पर नंबर ऑफ कॉलेज ज्यादा है, फी स्ट्रक्चर भी आई थिंक कम है। 40,000 समथिंग फी स्ट्रक्चर आपको आएगा, यहाँ पर आपको फी स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है। और मतलब एडिशनल चार्जेस वगैरह वैसे तो वहाँ का फीस 1,28,000 है। हॉस्टल की फीस यहाँ पर 60,000 वगैरह दे रखी है। तो अभी ये भी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, तो आप इनको भी रीड आउट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। तो अभी तक जिसने भी हरियाणा का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं अप्लाई किया हुआ है और जो भी गुड रैंकर्स हैं, तो मैं बोलूंगा एक बार जरूर अप्लाई कर दो, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इस बार आपको नंबर ऑफ कॉलेज काफी सारे देखने को मिल रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर फॉर्म अप्लाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन पर दे रखा होगा, तो देन आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ डाउट क्वेरीज हुआ करें तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए, तो हम उस पर रेगुलरली वीडियोस लाते रहेंगे। और आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको एक भी पैनिक होने की टेंशन, मतलब पैनिक नहीं होना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अलॉटमेंट सबकी आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी सी लोकेशन कंप्रोमाइज करो, बजट अपना अप करो। तब तक के लिए बाय बाय।